बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ESY 101 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की असाइनमेंट 1 का सलूशन शेयर करूंगी। ये इस करंट सेमेस्टर 2023 की फर्स्ट असाइनमेंट है। इसके बीच में जस्ट एक ही क्वेश्चन है। उसके बीच में जो हमने मास्लो थ्योरी है जो हम पढ़ते आ रहे हैं, तकरीबन MGT के हर सब्जेक्ट में होती है, ESY के हर सब्जेक्ट के बीच में होती है। इसमें आपको 5 केसेस दिए गए होंगे। उसके आगे आपने बताना है कि इसमें मास्लो थ्योरी की कौन सी नीड शामिल है और आगे आपने उसकी कैटेगरी बता देनी है। बस ये दो काम करनी है और आपकी 20 मार्क्स की असाइनमेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपकी इन असाइनमेंट्स की 3% वेटेज आपके रिजल्ट के बीच में है। तो आपने ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करना है जो कि दूसरे स्टूडेंट से यूनिक भी हो और टीचर आपका कहीं से भी कोई भी मार्क्स ना काट सके। 5-10 मिनट प्रिपरेशन के बाद तब असाइनमेंट को अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो अगर हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा तो पेपर में भी हमारे लिए आसानी हो जाएगी। और अभी हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, मीन्स के 22 मई को इसकी लास्ट डेट है, जबकि आपको पता है कि असाइनमेंट पे एक एक्सटेंड डेट मिल जाती होती है, तो आप इसे 23 मई तक सबमिट करा सकती हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका। हम पहला ये हमें टीचर ने डन करके दिया था। आपने क्या करना है कि अपनी असाइनमेंट खोलनी है, उसके बाद साथ में अपना ये MS वर्ड खोल देना। इसी फॉर्मेट में आपने असाइनमेंट को सबमिट कराना है। ये यहाँ से कॉलम बनाने हैं। यहाँ पे मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ कि ये यहाँ पे आप चेक कर लें। इंसर्ट में आए, इंसर्ट के बीच में ये टेबल्स में आ जाए और यहाँ से आप ये 4 रोज और यहाँ से ये 6 के करीब ये कॉलम सेलेक्ट कर लें। ये नीचे आपके बन जाएंगे और यहाँ पे फिर कॉपी पेस्ट करके लिखते जाइएगा। सी ये 1 सिनेरियो, इसके बीच में क्या है कि साइमा फील्स डैट हर फैमिली डज नॉट अंडरस्टैंड। साइमा महसूस करती है कि उसकी फैमिली उसको समझती नहीं है। शी ऑफ्टन सिट्स अलोन, अकेले ही बैठती है। एंड नो वन ट्राइज टू टॉक टू हर, और कोई भी कोशिश नहीं करता कि उससे बात करे। तो इसमें क्या चीज़ है, लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, ये इसकी नीड आ जाएगी मास्लो थ्योरी के बीच में से। और कैटेगरी ऑफ नीड कौन सी है, जाहिर सी बात है हमारे पास 2 किस्म की कैटेगरीज है नीड की, एक मेटा नीड है और एक डेफिशिएंसी नीड है। डेफिशिएंसी यानी कि कमी की जरूरत, जाहिर सी बात है यहाँ पे उस वो अकेली है तो उसको इस चीज की जरूरत है कि कोई उसके साथ आके बात करे। सेकेंड नंबर पे है असलम, इज 22 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। असलम 22 साल का एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, हु इज स्ट्रगलिंग टू पे हिज बिल्स, जो अपने बिल्स को पे करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, कोशिश कर रहा है। ही वर्क्स पार्ट टाइम एट अ पेट्रोल पंप, वो पार्ट टाइम पेट्रोल पंप पे काम भी करता है। एंड ऑफ्टन स्किप्स मील्स टू सेव मनी, और अपने पैसों को भी मील्स को बीच में से निकाल देते हैं अपने पैसों को बचाने के लिए, मतलब मील वगैरह खाने वगैरह को कभी कभार वो खाना भी छोड़ देता है। ही लिव्स इन अ स्मॉल अपार्टमेंट, एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है, 3 उसके साथ अदर रूममेट्स भी हैं, उनको आप अलग अलग कर लें। इसको हम कहेंगे कि साइकोलॉजिकल नीड है और इसके बीच में भी डेफिशिएंसी या डेफिनेट नीड आ जाएगा। नेक्स्ट वन, इरफान इज 50 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन हु वाज अचीव्ड ग्रेट सक्सेस इन हिज कैरियर। इरफान एक 50 साल का बिजनेसमैन है जिन्होंने अपने कैरियर में बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। ही हैज अ लार्ज हाउस, उसके पास एक बड़ा घर है, एक्सपेंसिव कार है, महंगी गाड़ी है, गोज ऑन लग्जरियस वेकेशंस, और वो तईश छुट्टियों पर भी जाता है छुट्टियां गुजारने के लिए। डिस्पाइस हिज वेल्थ ही ऑफ्टन फील्स अनफुलफिल्ड एंड डिस्काउंटेड फ्रॉम हिज फैमिली, अपनी दौलत के बावजूद वो अक्सर अधूरा और अपने खानदान से मुनकता महसूस करता है। तो इसको हम कहेंगे ये इस्टीम नीड है। और फिर ये इसको अगर कैटेगरी ऑफ नीड को देखें तो इसमें हमारे पास सेकेंड कैटेगरी आ जाएगी, यानी मेटा नीड्स। सेकेंड लास्ट को देख लेते हैं, साइमा सारा। सारा इज 28 ईयर्स ओल्ड, सारा 28 साल की है, हु रिसेंटली मूव टू अ न्यू सिटी फॉर हर जॉब, वो अभी रिसेंटली अपनी जॉब के लिए नई सिटी में आई है। शी इज लिविंग अलोन इन आवर स्टूडियो अपार्टमेंट, वो स्टूडियो अपार्टमेंट में अकेले रहती है। एंड फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू मेक न्यू फ्रेंड्स इन द सिटी, और उसके लिए मुश्किल है कि वो इस नए शहर में अपने दोस्तों को तलाश करें, नए दोस्त बनाए। शी स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हर टाइम एट द वर्क और वॉचिंग टीवी अलोन इन हर अपार्टमेंट, वो अपना ज्यादातर वक्त टीवी देखते हुए गुजारती है अकेले अपने अपार्टमेंट के बीच में। तो इसके बीच में हमारे पास आ जाएगी लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड, कि उसको प्यार की केयरिंग की जरूरत है, और डेफिशिएंसी नीड, डेस्पेंट नीड यानी कि कमी की जरूरत। लास्ट को देख लेते हैं, अब हमारे पास है आमना इज
45 years old woman, आमना 45 साल की एक खातून है, who lives in a small town, जो कि एक छोटे से शहर में रहती है, कस्बे में रहती है, in a developing country, एक तरक्की पजीर मुल्क के अंदर, she works as a teacher, और टीचर के तौर पे काम करती है, एक लोकल स्कूल के अंदर, and has two children, और उसके दो बच्चे हैं, recently the town has experienced an increase in crime, including thieves and robberies, हाल ही में कस्बे में चोरी और डकैती में जराइम में इजाफा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, आप इसको प्रोटेक्शन नीड भी कह सकते हैं, और इसकी जो कैटेगरी ऑफ नीड है उसमें आपका डेफिशिएंसी नीड आएगी। तो ये थी आपकी असाइनमेंट, होप सो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस सब्जेक्ट की मिड टर्म की प्रिपरेशन की भी वीडियो आप तक पहुंचाऊं, आपकी हेल्प हो सके, ताकि कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।